बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और शुरू शुरू की सर्दियों को इन्जॉय कर रहे होंगे। बहुत सारी कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा सर्दी शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान में भी इस दफ़ा सर्दी थोड़ी जल्दी आ गई है। हमारे यहाँ तो सर्दी बहुत ही थोड़े दिनों के लिए आती है, तो आजकल थोड़ा सा ठंडा मौसम है और इसी ठंडे मौसम से इन्जॉय करते हुए हमने सोचा कि हम भी चिकन कॉर्न सूप बनाते हैं। तो चलिए आपको इस सूप की रेसिपी देती हूँ और मेरे किचन में बनाते हैं चिकन कॉर्न सूप। तो सूप के लिए मैंने लिया है यहाँ पे कॉर्नफ्लोर 5 टेबलस्पून, और ये हॉट सॉस है, ब्लैक पेपर है कुटी हुई, और ये डार्क सोया सॉस है, थोड़ा सा विनेगर है इसके अंदर, जो है हरी मिर्चें उनको मैंने काट लिया है, ये 2 अंडे हैं और उनकी 1 जर्दी है, और ये कॉर्न लिए हैं मैंने, स्वीट कॉर्न है, ये बॉयल्ड है। ये है चिकन की यखनी जिसको कि मैंने तकरीबन 1.5 घंटे के लिए बॉयल कर लिया है। अंडे हैं उबले हुए, ये भी बहुत एनर्जेटिक होते हैं सर्दियों में। और ये श्रेडेड चिकन है, यानी कि जो मैंने बॉयल की थी यखनी के साथ। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो कि जिनसे कॉर्न सूप बनेगा। चिकन की यखनी का आपको बताती जाऊँ कि इसमें मैंने बोनलेस चिकन लिया था तकरीबन 500 ग्राम, और उसको मैंने 1.5 घंटे के लिए थोड़ा सा लहसुन और अदरक और थोड़े से लौंग और दालचीनी डालकर तकरीबन 1.5 घंटे के लिए बॉयल कर लिया है और उसमें से मैंने चिकन निकाल ली है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने अब दोबारा से चूल्हा जलाया है और उसके अंदर मैंने यखनी डाल दी है। यहाँ पर मैं इसके अंदर कॉर्न डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा चॉप करके या हल्का सा ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं, मुझे इसी तरह से ये पसंद है। इसी तरह ये सूप में आते हैं तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। आग मैंने चूल्हे की तेज़ कर दी है और अब इसके अंदर जो चिकन था उसको मैंने रेशे कर लिए, यानी कि श्रेड कर लिया है, वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर अब मैं 20 मिनट के लिए इसको दोबारा पकाऊंगी, क्योंकि यखनी जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो चुकी थी। तो यहाँ पर तेज़ आंच पर ये दोनों चीज़ें पक रही हैं। इसके अंदर मैंने नमक जो है अभी इसी हिसाब से डाला है जितना कि ये सूप है। थोड़ी सी ब्लैक पेपर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 चुटकी, क्योंकि जो स्पाइसेस हैं जैसे कि हॉट सॉस है या जैसे विनेगर में जो हरी मिर्च होती है वो डालने से भी इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है और स्पाइस आ जाती है। तो स्पाइसेस को बाद में भी बैलेंस किया जा सकता है, अभी थोड़ी सी मैंने ऐड की है इसके अंदर ब्लैक पेपर। ये सर्दियों में बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि सर्दी लग जाती है तो ये सूप जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पर देखिए अब बहुत ज़्यादा इसके अंदर बॉयल आ रहा है, अच्छे से इसको पकाना है तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। चिकन और जो कॉर्न है उसमें अब यखनी में आ गया है बॉयल, तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अब कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर तकरीबन 5 टेबल स्पून है, 4 ग्लास तकरीबन ये सूप है, तो इसके अंदर 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर जो है वो आराम से जाएगा। इसको मैंने थोड़े से पानी के अंदर घोल लिया था। इसको जब आप डालें तो आग तकरीबन थोड़ी सी कम कर लें और थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर डालें, ताकि जितनी आपको इसका गाढ़ापन चाहिए उतना ही ऐड करें। तो यहाँ पर मैं सारा ही जितना 5 टेबल स्पून मैंने घोला है पूरा मैं डाल दूंगी, और उससे उतना ही गाढ़ा हो जाएगा जितना मुझे चाहिए। ये अभी इतना गाढ़ा नहीं होगा, इसको थोड़ी देर के लिए फिर से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाना पड़ेगा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होता जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी अब बढ़ रही है। अभी तक आंच जो है वो दरमियानी है, बहुत तेज आंच इस वक्त नहीं रखनी। सर्दियों में ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो और कॉर्न सूप मिल जाए तो क्या ही बात है। कुछ लोग इसके अंदर जो है वो बॉयल्ड एग यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग भी इसमें डालते हैं, और भी ज़्यादा उस एक अच्छी चीज़ हो जाती है ये, जो बच्चे वैसे नहीं खाते एग वो इस तरह से खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें अंडा शामिल कर रही हूँ। अंडे को मैंने बहुत ज़्यादा बीट नहीं किया, 2 अंडे हैं और 1 अंडे की मैंने जर्दी ली है। मुझे ये अंडे के चंक्स थोड़े से बड़े अच्छे लगते हैं इसके अंदर सूप के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि छोटे छोटे चंक्स हों तो आप इसको तेज़ से चम्मच चलाएं तो वो छोटे छोटे चंक्स बन जाएंगे, लेकिन मुझे थोड़े से सूप के अंदर बड़े अच्छे लगते हैं चंक्स अंडे की, तो मैं इसका बिल्कुल हल्का हल्का चम्मच चला रही हूँ। इस वक्त सूप बहुत गर्म है जिसकी वजह से अंडा जो है वो फ़ौरन ही पक जाता है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाला है ताकि एकदम से जो है वो अंडा इसके अंदर पक नहीं जाए सारा। तो आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते हुए जो है इसको अंडे को मैं पका रही हूँ बीच में। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी से बन जाता है ये सूप। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान है और बहुत मज़ेदार लगता है ये पीने में। यहाँ पर देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट मज़ीद हो चुके हैं और ये इतना गाढ़ा हो गया है कि अब इसको इसकी आंच बंद कर दी जाए।
आप देख लीजिए कि जितना गाढ़ा आपके घर में खाया जाता है, देखिए इसमें अब ये बबल्स बन रहे हैं बिल्कुल हल्की आंच पर, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पकाया है। तो जो सूप तैयार है, रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।